मेरा नाम है श्वेता सिन्हा और मैंने कलर्स के ससुराल सिमर का इस शो में परी भारद्वाज का किरदार निभाया। मैंने 7 साल इस सीरियल में काम किया है, शुरुआत से लेके आखिर तक। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि दही हांडी का जो कार्यक्रम है उसमें मैं पहली बार गेस्ट बन के आई हूँ। मैं नवरात्र में गई हूँ, मैं बाकी सारे इवेंट्स में गई हूँ, लेकिन दही हांडी में मैं पहली बार आई हूँ। और यहाँ जो गोविंदाओं का जो उत्साह है वो देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको ये कहा कि इसी तरह से जिस तरह से आप दही हांडी में उत्साह दिखाते हैं उसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी उत्साह दिखाइए और इसी तरह से आप चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इनकी जो यूनिटी होती है वो देखने लायक होती है। इससे हम लोगों को एक लेसन लेना चाहिए कि लाइफ में हमें हमेशा फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, जो काम यूनाइटेड होके कर सकते हैं वो डिवाइडेड करके नहीं हो सकते। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, दैट इज हाउ इट। सबसे पहले हैप्पी राय की तरफ से आप सभी कृष्ण भक्तों को नमस्कार। आज बहुत ही पावन दिन है कृष्ण भगवान का और बहुत सारे यहाँ सजाए हुए हैं और बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और पुरस्कार भी रखा गया है दही हांडी को उपलक्ष्य में। और मीरा रोड में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा शो गाने का कहीं और था, बट यहाँ पर इतना प्यार मुझे मिला है विक्रम जी के यहाँ कि मुझे आना ही पड़ा एज ए 2 मिनट के लिए, बट आई। मैं फिर भी गाना मैंने सुनाया पब्लिक को, मैं गाना भी सुना देती हूँ आप सबको। और सबसे पहले हम भोजपुरी में भी गाई ना, तो भोजपुरी दर्शक लोग के बीच नमस्ते और गाना एक तो सुना देती हूँ। सुन रे यशोदा मैया तेरु नंद लाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। मेरा नाम तनु प्रियंका है। यहाँ पे सबसे पहले बात है कि जो बच्चों के जो एप्रिसिएशन है, जो अलग अलग फील्ड में जो बच्चे अचीव कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे जो कुछ भी किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। और दही हांडी तो वैसे भी बहुत ही ट्रेडिशनल ओकेजन है मुंबई के लिए और इतने बड़े लेवल पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और पार्ट ऑफ की सभी म्यूजिक से रिलेटेड लोग यहाँ पर आए हैं और मैं भी हिंदी और भोजपुरी दोनों से आई एम अ सिंगर और मेरे बहुत सारे एल्बम्स आपको टी सीरीज से मिलेंगे, आप सुन सकते हैं। और यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके का आयोजन होने चाहिए क्योंकि आज की डेट में प्रोत्साहन इनकरेज बहुत कम लोग करते हैं। विक्रम जी का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि मीरा रोड में अभी तक किसी ने इतने बड़े स्केल पे प्रोग्राम नहीं किया था। थाने में या दादर में मैंने बहुत ऐसे प्रोग्राम सुने थे लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे मीरा रोड में भी जो इन्होंने ना भव्य समारोह जैसा इन्होंने रखा है, इतनी पब्लिक प्लस उन्होंने जो गर्ल चाइल्ड के लिए जिन्होंने अच्छा अचीव किया है पढ़ाई में भी उसमें भी जो ये लोग साथ साथ ट्रॉफी भी देते जा रहे हैं सब बच्चों को जो उसमें से आ रहे हैं, उन लोगों का खास ध्यान रख रहे हैं, सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं काफ़ी, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से करके इतनी सिक्योरिटी बुला के मीन्स जो प्रोग्राम का आयोजन किया है वो बहुत अच्छा। ये आयोजन देख के बहुत ही खुशी हो रही है हमको, हम लोग कलाकारों को इतना सारा चांस मिला है, मैं दिल से इनको थैंक यू बोलूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा माहौल है, यहाँ के जो कमेडी है यहाँ के प्रताप फाउंडेशन जो रखे हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैम पिछले 9 सालों से प्रताप फाउंडेशन की पूरी टीम जो है मीरा रोड की धरती पे प्रताप फाउंडेशन का द्वारा जो है जो अपना दही हंडी का आयोजन हम करते हैं बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे मीरा भाईंदर के शहरवासी यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में गोविंदा पथक आते हैं और कहीं कहीं कई हजारों और यहाँ लाखों की संख्या में 2 बजे से जो है गोविंदा की टोली आते जा रही है तथा साथ में यहाँ के लोकल जितने भी मीरा भाईंदर के रहवासी है सब लोग उनका उत्साहवर्धन करने के लिए पूरा परिसर ये भरा रहता है। निश्चित तौर पर ऐसा कल्चरल प्रोग्राम करने का जो है संकल्पना प्रताप फाउंडेशन लिया है और साथ ही साथ इसमें जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं युवा करते हैं, ज़्यादातर मुंबई जैसे शहर में अपने कल्चर के तरफ युवाओं का अपना रुझान हो इसलिए प्रताप फाउंडेशन हमेशा ये प्रयास करती है कि हमारा हमारे धरती के महाराष्ट्र का हमारे इंडिया के जो भी कल्चरल प्रोग्राम हो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यंग
जनरेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करे। सबसे पहले अमरीश सिंह की तरफ से पूरे मुंबई वासियों को इस दही हंडी पे ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं बता दूं कि प्रताप फाउंडेशन की तरफ से जो हर साल की तरह इस साल भी आयोजन हो रहा है, और मैं हर साल की तरह इस साल भी इस मंच पे उपस्थित हूँ सारे कलाकारों के बीच में। तो मैं विक्रम सिंह और सायावी पिंटू भैया और हमारे भूपेंद्र भैया इत्यादि सभी जो इस मंच के कर्णधार है, मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही हर साल दही का हंडी और हंडी को तोड़ा जाए और यहाँ के लोग खुशहाली से तोड़ के अपना पुरस्कार लेके जाएं और सालों साल याद करते जाएं। पहली बार कार्यक्रम में आया हूँ और मुझे आते हैं बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कार्यक्रम को मुंबई न्यूज में देखा था तो लेकिन सामने नहीं देखा था, मुझे देखा बहुत अच्छा लगा। सभी भारतीयों को, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं आई हुई है। सब जो लोग भी आए हैं हमारी दृष्टि के हीरो हीरोइन एक्टर सिंगर, मैं सबको दिल से थैंक करता हूँ। हमारे बात से लोग आ जाते हैं, सब प्यार करते हैं, हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हम हर साल कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम के फाउंडर हमारे मामा प्रताप सिंह है, जो प्रताप फाउंडेशन हमारा है। इनके चैनल को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा भगवान का कार्यक्रम है और कृष्ण भगवान का तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारे मुंबई शहर में, और बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग ये मंदिर में भी त्यौहार मनाते हैं लेकिन मटकी फोड़ने का त्यौहार नहीं मनाते, बस कृष्ण जन्म मनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रताप फाउंडेशन के हमारे फाउंडर है विक्रम प्रसाद सिंह जी, वो हर साल सालों साल ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं और उनका इस परिसर में अच्छा जन समुदाय है और ये अच्छे कार्य उनके हाथ से होते रहते हैं। हर प्रोग्राम हर जो भी उत्सव है वो अच्छी तरह से यहाँ पर मनाते हैं और मैं उनके प्रताप फाउंडेशन को शुभेच्छा देता हूँ। और ये जो दही काला उत्सव है ये मेरा पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरह से मनाया जाता है और खास करके थाना शहर बॉम्बे और भाईंदर मेयर यहाँ पर इस उत्सव को लोग बहुत अच्छे से खुशी से मनाते हैं। 9-10 पहले तो 5-6 लोग थारी लगाते थे लेकिन अभी इस उत्सव में लोग 6-7-8-9 थर तक लोग दही हंडी का थर लगा के दही हंडी फोड़ते हैं। हर महादेव का जयकार लगा रहा है, श्री कृष्ण का जयकार लगा रहा है और ये देखिए एक विक्रम मिश्र का अलग प्रकार का मिशन है, भाई की तरफ मिशन है और ये एक ऐसा होता है हम अपने अरविंद से जुड़े होते हैं, आपके सामने होते हैं, एक उत्साह ऐसे ही बना रहता है कि हम अपने दर्शक जो हमको सिनेमा में देखते हैं, जो हमको टी वी में देखते हैं, जो आज हमारे आमने सामने है, एक उत्साह अलग ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सारी संतान और सारे प्रणाम करता हूँ, पिछले साल में यहाँ पे आया था आशीर्वाद लिया और तमाम लोग हमारे अपने घर के लोग बहुत प्यार आशीर्वाद यहाँ मिलता है और मैं यहाँ पिछले साल गया था, इस साल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है। थैंक यू। करीब लेके आते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है दही हंडी का, ये मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। इस सब
मैं हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ और अभी से भी टीवी शो में काम करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बड़े मन आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पे तमाम मेरा भेंदर की जनता को मैं शुभेच्छा देता हूँ और प्रताप फाउंडेशन के विक्रम प्रताप सिंह हम उनके सभी सहकारियों को भी इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन पे बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह से ये फाउंडेशन लोगों के हित में, समाज के हित में सर्वधर्म समभाव का काम करता रहे, यही आज के दिन में शुभेच्छा देता हूँ।